इस हफ्ते हाई फीवर के मंच पर हम सेलिब्रेट करेंगे फीवर 6 की रात, जहां डांस का तेवर कायम रहेगा। बेहतरीन से बेहतर दिखेंगी परफॉर्मेंसेस, फैंटास्टिक वर्क, क्योंकि हमारे जजेस आज चुनेंगे फिनाले में जाने वाले टॉप फाइनलिस्ट। अठारह हफ्ते पहले सुनहरे रिश्तों से भरा जबरदस्त डांसिंग का जो शो शुरू हुआ था, आज उसे उसके फाइनलिस्ट मिलने वाले हैं। तो वो जोड़ी जिसका नाम फाइनलिस्ट जोड़ियों में नहीं है, वो जोड़ी जिसे मंजिल के इतने करीब आकर भी एलिमिनेट होना पड़ रहा है, वो है कोई नहीं, आज कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो जोड़ी, हम तीनों ने ये डिसाइड किया है कि आप सभी फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करते हैं। इंडिया, यही है हाई फीवर डांस का नया तेवर के सीजन 1 के 6 फाइनलिस्ट जोड़ी। इनमें से ही एक जोड़ी होगी जो आपको डांस का नया तेवर दिखाएगी। सो जो भी आपकी फेवरेट जोड़ियां हैं, उन्हें वोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वोटिंग का आखिरी हफ्ता है और वोटिंग लाइंस आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक ही खुली रहेगी। बट जोड़ीज, ये वीक आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम के परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि इस वीक का ही आपका परफॉर्मेंस ये तय करेगा कि अगले हफ्ते इंडिया किसे अपने वोट्स के थ्रू हाई फीवर का ट्रॉफी उठाने का हकदार ठहराता है। सो दिस इज इट गाइस, योर लास्ट चांस, ऑल द बेस्ट। यार कितना इररिस्पॉन्सिबल है ना गिर पड़कर खड़े। उसे पता है कि आज प्रियांशु शो में नहीं है, तो उसे यहां होना चाहिए था ना। ट्रू। अरे गिर पड़कर खड़े, किधर हो यार, जल्दी आओ, शो शुरू करना है। मैं बुलाती हूँ ना सर, अहमद सर भाई बाहर आ जाइए। गिर पड़कर प्रेजेंट टीचर। हाय किरू। ये मतलब ये है क्या, ये सब है क्या? और ये बड़े बड़े होट किसके हैं? सब बताते हैं, सब बताते हैं। एक्चुअली ये टी शर्ट सलमान सर का है। क्या है, कल मेरा बैचलर पार्टी था। एक्चुअली पहला मैं वो क्रूज में रखना वाला था, फिर वो अपना बजट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर सांता क्रूज में रखा। अच्छा मैं क्या बोल रहा है, वो कल पार्टी में वो भी आया था अपना ऑल इंडिया बैचलर युवा समिति का अध्यक्ष सलमान खान अपना। उसका कैसा अपना थोड़ा ऐसा है, उसको मैंने बोला क्या सल्लू भाई जिंदगी अच्छी कटरी ना। तेरा सब हो गया है, सब छिछोरा बना, तो कपड़े चेंज कर क्या शो चालू करे? नहीं नहीं खान साहब, क्या है कल पार्टी रात तक चला है, तो आज शो करने का सा ताकत है नहीं। तो मतलब क्या, और हैंगओवर? हाँ वही हो गया। तो हैंगओवर उतारना है? हाँ उतारना है। क्या करने का उतारने के लिए? इधर सेंटर में, सेंटर में बलाए लेता हूँ पहले। कौन सा बलाए? ससुर जी क्या हैंगओवर उतार रहा है, लेकिन आज एक कंटेस्टेंट को बुलाने का काम कौन करेगा? उसकी टेंशन तू मत कर, हम लोग तीन है ना, वो संभाल लेंगे। तू जाके अपना हुलिया बदल के आ।
हमारी पहली जोड़ी है तेजस और अंशुल। इन दोनों में दो नहीं बल्कि 11 लोगों की एनर्जी है। लकी डे मनाते ये दोनों हैं, लेकिन असली में लकी वो है जो इन्हें डांस करते देखते हैं। तो इंडिया, इनका कोड है 86। इन पर ढेर सारे दिल लुटाइए और तेजस अंशुल को विनर जोड़ी बनाइए। तेजस यार, ये स्वैग तो अपना ही है और ये अपने पास ही रहेगा। चल आज अपने हक के लिए डांस करते हैं। हाँ भैया, ये ट्रॉफी हमारा हक है और हम इसे जीत के ही रहेंगे। तेजस एंड अंशुल, फीवर 6 की रात में आज मुझे लगता है कि सबसे स्मार्टेस्ट मूव मुझे लगता है आप लोगों ने किया है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस तय करता है कि वोट्स कितने आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस आपका सबसे बेस्ट था। थैंक यू सर। स्वैग फ्रैंकली स्पीकिंग एक स्टाइल नहीं होता है, स्वैग इज अ कल्चर। तो ये कल्चर को जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हो स्टेज पे, ये किसी और जोड़ी में मैंने नहीं देखा है। थैंक यू सर। आज स्वैग करते 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 एंड में जो आपने टेम्परेचर रेज किया और सड्डा हक जब आया, दैट फॉर मी वॉज द फीवर मूव फॉर दिस एंटायर एक्ट। पावर मूव, द एनर्जी, द एक्सप्रेशन, जो आपने जुनून दिखा के बस ट्रॉफी लेकर ही जाना है, दैट वॉज द फायर दैट आई वॉन्टेड एंड आई गॉट यू फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू सर। फैंटास्टिक जॉब। अंशुल और तेजस, आप लोग जब डांस करते थे ना, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि आप लोग का सिंक अच्छा था। आज यू हैड अ ग्रेट सिंक, दैट वाज द फीवर मूव पहला। थैंक यू सर। देन अंशुल, तूने वॉल पे, हम वॉल बैक मारते हैं, तूने जीप के पोल से किया ना, बहुत डेंजरस था वो, पैर स्लिप हो सकता था, दैट वॉज अ फीवर मूव। थैंक यू सर। तेजस ने फिर एक ड्रिल किया,
ड्रिल मार के सीधा अंशुल पे लैंड हुआ, दैट वाज अ फीवर मूव। अंशुल तूने ऊपर से बी ट्विस्ट मार के जमीन पे लैंड हुआ। आई थिंक दीज वर ऑल फीवर मूव्स फॉर मी। ये लगा के तुम लोग ने आज गेम कर दिया यार, फैंटास्टिक। अंशुल और तेजस, हम लोग जब स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं हमारे पास ज़्यादातर डांसर्स होते हैं, और आप दोनों ही इतने छोटे हो, दोनों में इतनी शक्ति कि पूरा स्टेज भाग भाग के कवर करते हो। आई लव यू, वेरी गुड बॉयज। थैंक यू सो मच। ये था हाई फीवर परफॉर्मर। तो जनता, हमें विनर जोड़ी बनाने के लिए आप हमें वोट कर सकते हैं। वोट करने के लिए आप अपने मोबाइल से 07240466866 पर मिस कॉल देना, जिसमें 86 हमारा कोड है, और SMS द्वारा वोट करने के लिए आप अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए TNA और भेजिए 57575 पर, और आप ऑनलाइन भी वोट कर सकते हैं, तो लॉग इन करें www.z5.com/highfever पर। साथ ही आप हमें माई जियो ऐप से भी वोट कर सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए माई जियो ऐप और हमें ढेर सारे वोट कीजिए जनता। थैंक यू। वोटिंग लाइंस आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, तो ढेर सारा वोट कीजिए। सर, मैं लिखित को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। आओ निखिल। सलमान सर, आपको याद है हम लोग ने शर्टलेस परफॉर्म किया था बेजुबा गाने पे, तो सोशल मीडिया में मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए ना। अच्छा, मतलब मैं बहुत खुश हो गया सर। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है, लेकिन थोड़े थोड़े कमेंट्स ऐसा है कि यार तुम लोगों के पैक्स थे लेकिन बाइसेप्स नहीं थे यार। ओहो सर, एक रिक्वेस्ट है सर। सर हमको आप सिखा दो ना बाइसेप्स कैसे बनाते हैं। सर आपको शर्ट खोल के ही करना पड़ेगा। मारूंगा तक। शर्ट खोल के सर। सर ऑडियंस को वही पसंद है। बाइसेप इधर थोड़ी ना होते, बाइसेप इधर होते। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। नहीं नहीं। मत सुपरमैन सलमान का था। क्या बात है? वाह। चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अल्लाह को मैं। इंडिया, एक टीचर यहाँ ऐसा है जो पिछले 18 हफ्तों से अपने स्टूडेंट्स के लाफे खा रहा है, और हर बार इनका एक्ट हाई फीवर के बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जा रहा है। पर इस जोड़ी में जो स्टूडेंट है उसका है एक गंगोर प्रॉब्लम। जब देखो देता जा रहा है मेरी फिल्म का ऑडिशन पे ऑडिशन, तो इंडिया मुझे इस ऑडिशन से छुटकारा दिलाइए और 87 के कोर्ट पर वोट देके फैजान और लिखित को विनर जोड़ी बनाइए। फैजान सर, हमें अपने वोटिंग के रास्ते से अपने दुश्मनों को हटाना होगा। हाँ, लेकिन आज हम हमारे दुश्मनों की वाट लगाएंगे, क्योंकि ये जानते नहीं
इस रेस के असली बंदर हम हैं। जरा बंदर नहीं सिकंदर। हाँ हाँ वही वही बजाओ। अब बचे सिर्फ दो। लिखित ऐसे नहीं हंसते। फिर कैसे हंसते हैं सर? ऐसे धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी। सर गलती से लगा सर। सर उठो ना सर। क्या करूँ क्या करूँ। हाँ सर आप टाइगर हो सर। रोर रोर रोर। अरे क्या हुआ क्या हुआ। अब ध्यान से सुनो, इन सब को पासो पासो का नोट दो एंड हेलो फ्रेंड्स हमें वोट दो। वाह। शुरू करते हैं ससुर जी से। कैसा लगा आपको ये क्विक गन मूर गन? टू स्टार्ट विद द पहला हनुमान पोस्चर लिया तुम लोग ने। ओ उस पे बिगुल पे वहां से जो टेक ऑफ हुआ आप लोग का, यू ऑल जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन गाइज। देन एक नी स्लाइड थी जो तुम लोगों ने हा 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 हा, उसका सिंक बहुत अच्छा था। वो डेफिनेटली फीवर मूव था इस पूरे एक्ट का। थैंक यू सर। एंड आई कैन से द फीवर स्ट्रोक ऑफ द एंटायर कॉमेडी थिंग वाज सर आप टाइगर हो। सर आप टाइगर हो सर। रोर रोर रोर। फीवर छे की है रात में। आई थिंक फैजान एंड लिखिता बैक। थैंक यू सो मच। आपकी जो कॉमिक टाइमिंग थी और हमारे सोच से परे जो आपने चीजें की, आपने उनके थाई से मारा, आपने फ्लिप, तो आप दोनों एज अ जोड़ी इतने स्ट्रांग हो चुके हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके सारे लिप्स एंड एवरीथिंग असली शेर है आप दोनों इस शो के। थैंक यू सो मच। ये डेफिनेटली हाई फीवर परफॉर्मेंस था। हमें विनर जोड़ी बनाने के लिए आप अपने मोबाइल से वोट कर सकते हैं। सिर्फ मिस कॉल देना होगा 07240466687 पर, जिसमें 87 हमारा कोड है। और आप SMS द्वारा भी वोट कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए FNL और भेज दीजिए 57575 पर। और ऑनलाइन वोटिंग के लिए जाइए www.z5.com/highfever पर। और आप डाउनलोड माई जियो ऐप कर सकते हैं और उससे भी वोट हमें ढेर सारा भेज सकते हैं।
वोटिंग लाइंस आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक खुली रहेगी, तो प्लीज जल्दी वोट करें क्योंकि ये आखिरी मौका है इनको विनर जोड़ी बनाने के लिए। अहमद सर, बाबा मैं बोल। हर बार स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, आपको पता है। हाँ पता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऑडिशन में फेल क्यों हो जाता हूँ। फिर मुझे सडनली एक मतलब कुछ आया कि अगर एक्टर बनना है रोमांस आना चाहिए, कॉमेडी आना चाहिए। सर मैंने अब तक आपको रेंज नहीं दिखाया मेरा इमोशनल। तो मैंने सोचा आज हम लोग इमोशनल सीन करेंगे, कभी खुशी कभी गम का आइकॉनिक सीन पे। तो मैम, ईशा मैम, प्लीज मैम, प्लीज स्टेज पर आइए और मेरी हेल्प कीजिए। रिक्वायरमेंट तो देखो, ईशा मैम चाहिए डायरेक्ट। अबे इतनी हैमिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। इमोशन दिखा रहा था कि लूज मोशन दिखा रहा था? एनीवेज बेटा, तू हर ऑडिशन में फेल हुआ है, लेकिन सीखो इस बच्चे से। गिव अप नहीं करता। इंडिया, अब तक आपने इस मंच पर अदा, हुस्न, ग्लैमर, टैलेंट की आग को जलते देखा है। आज आप इन सब के वॉल्केनो को फूटते देखेंगे, क्योंकि अब परफॉर्म करने आ रहे हैं योर वेरी ओन सलमान यूसुफ खान एंड ईशा गुप्ता। Yeah.
ईशा जी, देश भर से लड़की लोग है मेरा पीछे पागल जैसा। हाय हाय बेचारी। लेकिन वो लोग को सब छोड़ के मैं तेरा पीछे लगा है। मैं सोचा कि आज तेरे को दिखाओ कि मेरा पीछे कितना लड़की लोग है। ओके ठीक है, दिखाइए। दिखाओ ट्रेलर, दिखाओ देश भर की लड़कियों का। हाय गिरपड़कर, तुम चाहे ईसा दीसा लीसा चाहे किसी के भी पीछे भागो, लेकिन शादी के लिए आइडल चॉइस तुम नहीं हो, क्योंकि मैं सबसे शरीफ लड़की है। ऐसे शरीफ लड़की पूरा तेको इंडिया में नहीं मिलेगी। अरे गधेड़ा, ये एप्पल जूस है, तेरे को भी पिलाऊंगी, कभी बंगले में तो आ। ए गिर पड़कर, हम तो हार तंदूरी भाभी, हमको तुम बहुत ही खूबसूरत लगते हो। वो क्या कहते हैं, हैंड पंप सही पकड़े? अरे धत, अभी पकड़े ही कहाँ है, पकड़ने आइए ना। तुम्हारा माथा खराब है, ईशा गुप्ता कौरता रहता है। अरे ईशा गुप्ता में ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है? हमने तो सोचा है कि हम तुमको अपना औदा से इंप्रेस करेगा। औदा? अगर कुछ भी नहीं चला तो अपना गान सुनाकर इंप्रेस करेगा। पहचाना क्या? अरे मैं तेरी बचपन की दोस्त शशिकला भोसले। जान चीज क्या है, आप मेरी दिल लीजिए, कभी तो मुझे कोने में आके मिल लीजिए। गिरपड़कर only for you। हमार गिरपड़कर के चाई मने गिरपड़कर जोइए छे, मला गिरपड़कर पाई छे, गिरपड़कर सिर्फ तू चाई। I love 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 you 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 you, I love 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 you 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 love you। बंगाल हो या उत्तराखंड, गिरपड़कर है सभी हसीनों की पसंद। वाह वाह वाह। अभी तेरे को पता लगा कि मेरा पीछे कितना लड़की लोग है? सही पकड़े हैं, और अब हमने आपको भी पकड़ा है कि वो चारों आप ही थी, समझ गई? तो बुलाते हमारे अगली फीवर जोड़ी को। इंडिया, तो हमारी अगली जोड़ी के जैसे डांसर्स कई सालों में टीवी पर एक बार दिखाई देते हैं। डांस के लिए पैशन और आपस की जो केमिस्ट्री मैं इनमें देखता हूं, वो अब तक किसी भी शो में, किसी भी जोड़ियों या कंटेस्टेंट्स में मैंने नहीं देखा। तो प्लीज अपने फोन पर A2 का कोड दबाइए और इन जस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी को विनर बनाइए। प्रेजेंटिंग कंटेम्प्री की नई दिशा, दिल्ली से तारा और सिक्किम से निशा। सिखा रही रतिया
निशा, इट्स बहुत ही थिन लाइन होती है सेंसुअलिटी में और वल्गैरिटी में. उसको एक आर्ट फॉर्म में कन्फाइन करना एज एन इमोशन और उसको बहुत ही तरीके से प्रेजेंट करना, इट्स वेरी ट्रिकी. स्टार्टिंग का जो था पर्दा, जिसके अंदर लीड हो रहा था, आप लीड कर रहे थे, वो लीड फॉलो कर रही थी, कोरियोग्राफी वो सो स्मार्टली डन के गिव एंड टेक जो था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. Transitions were beautiful, emotions were perfect. All in all, this was a perfect act for me. Thank you, sir. Means a lot. Fantastic. एक पोर्शन आया बीच में जहाँ पर मैं थोड़ा मेस्मराइज हो गया था. तुमने निशा को घुमाया? ऐसे घुमाया निशा. खुद भी घूम के उसकी बॉडी ड्रॉप करके ऊपर से घूम के जो तुम गए हो. That was so seamless. And जो तुमने उसे horizontal position पे ऊपर उठाया और फिर नीचे लिया. All those positions were so good. And what I liked the best was today your dance was not body. Today you danced with your soul. Yes, sir. Thank you, sir. Tara, you are looking so hot. AC चला दो कोई यहाँ पे, वैसी हालत हो रही है. निशा को मैंने हमेशा बोला है बहुत खूबसूरत है और उतना ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा नाचती हैं. आज आप दोनों की वो जो केमिस्ट्री थी वो आज एक्ट में दिखा और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. कीप इट अप गाइस, प्लीज डोंट लूज इट. कुछ भी हो जाए आप दोनों इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे. एंड तारा फॉर यू. लव यू मैम. लव यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. तारा निशा, ये डेफिनेटली हाई फीवर परफॉर्मेंस था. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हमें हाई फीवर की विनर जोड़ी बनाने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 0724046682 पर, जिसमें 82 हमारा कोड है. साथ ही आप हमें SMS द्वारा वोट कर सकते हैं. टाइप कीजिए TNN और भेज दीजिए 57575 पर. आप ऑनलाइन भी वोट कर सकते हैं. ऑनलाइन वोट करने के लिए प्लीज़ लॉग ऑन करें www.z5.com/hypeweb पर. साथ ही आप माई जियो ऐप से भी वोट कर सकते हैं. तारा निशा, एक स्पेशल फैन है तुम्हारे जो इस वक्त आपके लिए कोई मैसेज दिया उन्होंने. हाय निश. हेलो निशा. बचपन में तुम नाच नाच की पूरे फैमिली को एंटरटेन करते थे. आज तुम्हें चांस मिला है पूरा इंडिया को एंटरटेन करने का. थैंक यू जजेस फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू निशा. यू वर जस्ट 6 years old जब हमारी माँ का डेथ हुआ था. उस टाइम बाबा ने तुमको अकेले ही बड़ा किया और तुम्हें ये मौका दिया अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का. और आज तुम उन्हीं की वजह से शायद यहाँ तक पहुँची हो. अगर बाबा जिंदा होते तो बहुत प्राउड फील करते. सो स्वीट. आई वुड लाइक टू थैंक तारा फॉर बीइंग सच अ ग्रेट एंड सपोर्टिव पार्टनर फॉर निशा. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. मेरो क्लाइनो, मी टू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ऑल द बेस्ट फ्रॉम जर्मनी. बाय बाय. बाय निशा छेमा. So sweet.
ये मेरी सिस्टर जीजा जी और मेरी छोटी बेबी है, दीदी की बेटी, जो मेरी बेटी है. मतलब तीन महीने इसको मैंने लिटरली अपने खुद के साथ सुलाया है. वो मेरे चेस्ट में सोती थी, सुबह 7 बजे मेरे पास आती थी, रात की 11 बजे तक नहीं निकलती थी, वो जाती नहीं थी. और नीता दीदी से तो मैं बहुत अटैच हूँ, क्योंकि उन्हें लाइक मुझे उनकी फोटो कॉपी बुलाते थे घर पे. और मेरे जीजा जी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. हम रॉक क्लाइंबिंग जाएंगे, मतलब वो मुझे, उनको और मुझे बहुत एडवेंचर्स बहुत पसंद है. तो बहुत क्लोज है मेरे लिए और मैं बहुत मिस कर रही हूँ. मुझे मन कर रहा है कि हाँ, शो के बाद मैं जाऊँ उनको मिलूँ. अरे वाह वाह वाह, सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू. सो नाइस इट फील्स कि घर वाले प्राउड फील करते हैं कि उनकी बच्ची, जैसा मैं जानता हूँ कि तुम घर की बच्ची हो. हाँ, उन्होंने माँ की तरह तुम्हें पाला है. बट यू आर अ प्राउड गर्ल कि तुम्हें इतनी माएँ मिली हैं. एंड गॉड ब्लेस यू. उनकी दुआएं आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेंगी. थैंक यू सर. एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वोटिंग लाइंस आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक खुली रहे. प्लीज वोट करें तारा निशा को, क्योंकि ये आखिरी मौका है इनको विनर जोड़ी बनाने के लिए. ये बहन का प्यार देख के मुझे, ईशा, इवन यू हैव अ सिस्टर. जी. आप रिलेट करती हो इन चीज़ों को? बहुत ज़्यादा अहमद सर. एक मेरी बहन है, बड़ी बहन, वो बस हमें 2 साल का फ़र्क है, बट आई थिंक जैसी मैं पैदा हुई वो एक माँ बन गई थी. एक तो क्योंकि वह छोटी थी, हमेशा बीमार रहती थी. मेरी बहन ने सच में जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, तो वैसे पाला है. तो जब भी मैं सिर्फ सिस्टर्स का, ब्रदर्स, एनी सिबलिंग का प्यार देखती हूँ, मुझे बस अपनी बहन याद आती है. बिकॉज आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा प्यार मुझे कभी कोई ज़िंदगी में कर सकता है. So sweet. We should get a time, chance to meet her sometime. Call her. Inshallah, I hope. Tell, pass a message at least for her. Neha Diti, I love you and thank you for always. दोनों में से एक mature होना चाहिए, दोनों में से एक समझदार होना चाहिए, वो आप हैं. दोनों में से एक. Oh my God. जीजा जी, नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू. वेल, नेहा दीदी इज सुंदर है, सुशील है, सिंगल है. बहनों का खासकर होता है, आई थिंक लव हेट रिलेशन. अभी रोई हूँ, वैन में जाते ही झगड़ा होगा, बहस होगी, मेरे कपड़े पहनेगी, मैं उस पर गुस्सा होंगी. और अगर मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इसकी सबसे कीमती, जो इसकी सबसे अजीज चीज़ है इसकी दिल को, अगर मैं वो भी मांग लूँगी ना, नैदी मुझे पहनना है, हाँ दे दे. और मेरा सबसे कुछ भी होगा ना, ये बोलेगी मुझे पहनना, मैं पहले शक्ल बनाऊँगी, बाद में मैं 2 घंटे बाद अच्छा पहन के चले जाऊँ. तो आई थिंक ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी. एंड थैंक यू मम्मी पापा कि इसे पहले आपने जन्म दिया, मुझे नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत बुरी एल्डर सिस्टर होती. बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एंड आई एम सेइंग इट ऑन नेशनल टीवी, आई लव यू, बट वी विल फाइट लेटर. दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज एक्चुअली एवर कन्फेस दैट शी लव्स मी. शी वाओ, शी नेवर एवर विल एवर एवर से इट ऑन नेशनल टेलीविजन, नॉट टू ऑन अ नेशनल टेलीविजन. आप बताइए कुछ हमें ईशा के बारे में. ईशा बहुत ही बेहतरीन कुक है. Oh. बहुत ही, टू मेक डाइट फूड डिलिशियस, दैट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ. लेकिन बहुत ही डिलिशियस खाना बनाती है, बहुत ही. वाओ, ये बात नहीं पता थी. शी इज फुल ऑन ड्रामा. अच्छा. मतलब कोई भी बात होगी उसको एग्जैजरेट करके 10-fold प्रेजेंट करना है, दैट्स अ टैलेंट शी हैज. कोई भी बात मॉम को, शील कुक अप स्टोरी एंड मॉम को बता देंगी. देन डैड को कोई भी स्टोरी कुक अप करके बता देंगी. फिर डैड को और मॉम को आपस में. ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? डेंजरस. हां. एंड जब मूवी रिलीज हो रही थी इनकी फर्स्ट, तो ट्रेलर देखने के लिए ही व्हाटएवर फॉलोइंग मूवीज जो भी रिलीज होती थी, हम वो देखने जाते थे.
Just to see her on the screen, just for that trailer. Wow, so sweet that was. मेरे को मतलब एक्चुअली बहुत खुशी है क्योंकि बहन आया है हाँ ससुर जी बेटे हैं साले जी है तो पूरा एक्चुअली फैमिली यहाँ पर है तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करेगा क्या तो मैंने आज साली के लिए पोयम लिखा है तालियां क्या बात है दिस विल बी इंटरेस्टिंग हाँ भयंदर के वड़ा पाव से इंटरनेशनल पिज्जा बनेगा अपुन तेरा जीजा बनेगा संगीत में आपको अपुन के लिए गाना गाना पड़ेगा जीजू आ गए ऐसा बोल के गेट पे आना पड़ेगा तेरे साथ होली से लेकर दिवाली मनाएगा ईशु को पूरी तो तुझे आधे घरवाली बनाएगा नेहा क्या लगता है घर में ऐसा आना चाहिए इतना प्यार करता है इतना That is true. कितनी कद्र करता है इतनी तारीफ करता है सोचना तो पड़ेगा ना